नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। संडे की एक और शाम और मैं अनिमेश बिल्कुल तैयार हूँ लेकर आज के दिन के हमारे स्पेशल गेस्ट को। जी हाँ, बातें हो रही है रविवार की शाम सितारों के नाम, और आज की हमारे गेस्ट जो हैं उनको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे एक नहीं दो शब्द कहने हैं, खल्लास गर्ल। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर। ईशा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। हाय निमेश, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द वेल, शो। सबसे पहले बताऊं, बिल्कुल इस वक्त कोलकाता में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है, तो मैं कोलकाता से ही शुरू करना चाहूंगा। मैम, फ्यू वर्ड्स फॉर सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता के बारे में अगर आप कुछ कहें। मैं कोलकाता बहुत बार आई हूँ, ऑफ कोर्स पिछले एक साल में नहीं आई हूँ। नॉर्मली द बेस्ट टाइम दैट आई लाइक टू कम टू कोलकाता इज ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। वहाँ के जो पंडाल होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, और जिस तरीके से लोग जो कोलकाता के लोग हैं अपने पूरी मतलब श्रद्धा भाव से जिस तरीके से उसको डेकोरेट करते हैं पंडाल को, बहुत प्यारे प्यारे पंडाल होते हैं। और ऑफ कोर्स आई हैव अ स्वीट टूथ, आई हैव अ स्वीट जॉ, तो मुझे बंगाली स्वीट्स बहुत पसंद है। मुझे संदेश, गुलाब जा आई मीन रसगुल्ले, ये सब बहुत पसंद है, और वहाँ के पुचके भी बहुत पसंद है। बिल्कुल आई लव द फूड ऑफ कोलकाता। बिल्कुल, मैं चाहूंगा मैम कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद जल्दी जल्दी आप कोलकाता आए, मैं स्टूडियो में आपको इनवाइट करूंगा और ये सब कुछ आपके लिए तैयार रहेगा, ये वादा रहा मेरा। जरूर, थैंक यू अरमेश। ओके मैम, मैं जाना चाहूंगा, फिर बता दूं कि पिछले कई दिनों से हम बातें कर रहे थे कि ईशा मैम के साथ हमारे साथ होंगी, आपके साथ बातें होगी, बहुत सारे सवाल जो है आपके लिए आए हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपके बचपन को लेकर। मैम, बचपन में कैसे थी, इंट्रोवर्ट थी, एक्सट्रोवर्ट थी, पढ़ाई में सिर्फ ध्यान देती थी, स्पोर्ट्स में ध्यान देती थी, कैसी थी ईशा मैम? मैं बहुत बदमाश थी, बदमाश थी, बदमाश हूँ, और बदमाश रहूंगी, और बदमाश मरूंगी। ओके मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी, ऑलवेज स्टैंडिंग आउट ऑफ क्लास। अरे वाह, तो क्या हाँ बात है। हाँ ऑलवेज ऑलवेज मतलब एक्चुअली फ्रेंडशिप डे आ रहा है अगस्त में, और इस साल मेरे दोस्तों ने मुझे कहा भी है कि हम एक कंपाइलेशन कर रहे हैं मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो मैं ईशा हमारे लिए कैसे थी स्कूल टाइम पे, उसके वीडियोस बना के भेज रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या क्या उनको याद है मेरे बारे में। मैं बिल्कुल वैसे नहीं दिखती थी जैसे मैं आज दिखती हूँ, एकदम छोटे छोटे बाल थे मेरे, बहुत छोटे, बॉय कट। मेरे को स्कूल में रैम्बो बुलाते थे लोग। मैं स्कूल की सेंटा क्लॉज थी, हर साल क्रिसमस हॉलीडेज से पहले एक ऐसा बैग बनाती थी और कॉटन की दाढ़ी लगाती थी, और स्कूल में हो करके सबको स्वीट्स खिलाती थी। एंड आई वाज वेरी अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई वाज फैंटास्टिक इन स्पोर्ट्स ऑलवेज, मतलब स्पोर्ट्स में मैं हमेशा अच्छी थी। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी मुझे याद है, जब भी कोई लेक्चर ऐसे फ्री हो जाता था या टीचर आती नहीं थी, तो मैं लास्ट बेंचर थी। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लास्ट स्टैंडर्ड तक लास्ट बेंचर थी, एंड द लास्ट बेंचर्स क्या आर बात। ऑलवेज ऑलवेज मिस्टीरियस। मतलब हाँ 10th स्टैंडर्ड के फेयरवेल में हमारे टीचर्स रोए थे कि हो तुम लोग जा रहे हो, स्कूल इज रियली गोना मिस ऑल ऑफ यू ऑल। तो इट वाज अ बिल्कुल। फैंटास्टिक लॉट। तो हमेशा मैं मस्ती करती थी, और टीचर ऐसे टर्न करने से पहले कोपिकार बोल के चॉक फेंकती थी या डस्टर फेंकती थी। मैं तो ओहो, अच्छी तरीके से डॉज कर जाती थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को ऐसे ठबाक ठबाक मिल जाता था। हाँ सो क्या बात है। आई वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर, आई वाज अ स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर, एंड आई वॉज इन टू मार्शल आर्ट्स। मतलब अभी तो मार्शल आर्ट्स स्कूल में नहीं, स्कूल के बाद ही मैंने स्टार्ट किया। आई वॉज इन टू वॉलीबॉल, आई वॉज इन टू डॉज बॉल, आई वॉज इन टू थ्रो बॉल, आई वॉज इन टू ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी आउटडोर पर्सन, और आज भी मैं वैसे ही क्या हूँ। बात, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो इस तरह से आपकी स्कूल लाइफ हुई, और कॉलेज की अगर हम बातें करें तो कॉलेज के कुछ हमारे साथ बातें अगर शेयर करें, क्योंकि जहां तक मुझे खबर मिली है कि एक फोटोशूट आपने करवाई थी, उसके बाद काफी कुछ बदल गया, बहुत सारे कमर्शियल्स में उसके बाद आप नजर आई। मैम, अगर हमारे साथ शेयर करें वो समय, वो एक्चुअली मुझे अभी भी याद है, 10th स्टैंडर्ड में थी मैं, और मेरे को ब्रेसेस थे, और मेरी मम्मी ने मुझे उनके कॉलीग का की बेटी की पोर्टफोलियो दिखाई थी। तो मैंने कहा था कितने कितनी प्यारी पोर्टफोलियो है, मुझे भी ऐसे ही दिखना है। और मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखती थी जैसे मैंने कहा, आई वॉज वेरी टॉम्बॉयश। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, अपनी 10th तो पहले खत्म कर लो। इमिजिएटली 10th के बाद
आई वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। पोर्टफोलियो खींचा और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी पॉकेट मनी के लिए मैं थोड़ी मॉडलिंग कर लूं। तो पापा ने बोला, पॉकेट मनी के लिए कर सकती हो, लेकिन आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, सो दे ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी यू नो टू एजुकेट माई सेल्फ। तो पापा ने बोला, जो भी करना है लेकिन अपनी डिग्री तुझे लेनी पड़ेगी, यू जो भी है, मतलब बीएससी जो भी है, यू नो बीकॉम बीए व्हाटएवर, यू हैव टू बी, यू हैव टू फिनिश योर बेसिक्स, यू नो योर ग्रेजुएशन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई डोंट माइंड। सो एजुकेशन करते करते मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, मॉडलिंग स्टार्ट की, मॉडलिंग से मुझे म्यूजिक वीडियोस मिलने लग गए, म्यूजिक वीडियोस से मुझे साउथ की फिल्म्स मिलने लग गए, साउथ की फिल्म्स से मुझे बॉलीवुड मिलने लग गया, ऐसे दैट द जर्नी स्टार्टेड। बट आई स्टिल रिमेम्बर एज आई वॉज डूइंग ऑल दिस, यू नो आई वॉज स्टिल स्टार्टिंग एंड आई फिनिश्ड माई बीएससी फाइनली इन जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइफ साइंसेज। क्या बात है, क्या बात है मैम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने काफी कुछ किया है मैम, इतना कुछ कर लिया। अगर हम मूवीज की बातें करें तो मैं देख पा रहा हूँ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, आपने हर तरह के लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट काम कर लिया है। तो फिर शुरुआत जो हुई फिल्मी दुनिया की, जो शुरुआत हुई उसके बारे में बताएं। जहां तक मुझे खबर मिली है कि एक हिंदी मूवी से आपकी डेब्यू होने वाली थी, लेकिन फिर तेलुगु मूवी से शुरुआत हुई, क्या हुआ उस मूवी का? उसी टाइम में साउथ में भी बहुत काम कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी। तो यू नो ब्रेक्स में मेरी शूटिंग ऐसे होती थी कि ईशा की ये हो रही है, क्या बोलते हैं, अभी वेकेशन है तो अभी आप शूट कर सकते हो, क्योंकि आई वॉज स्टडिंग। सो देन एक मिनट, आई जस्ट वन सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, वन सेकेंड टिम, आई एम ऑन एन इंटरव्यू एंड रियाना इज वॉचिंग अ मूवी, आई विल कॉल यू इन अ बिट, आई कॉल यू इन अ बिट, आई कॉल यू इन अ बिट, आई एम ऑन अ रेडियो इंटरव्यू, बाय, सॉरी। सो ऐसे था कि मैं क्या बोल रही थी, आई एम सॉरी, आई जस्ट गॉट कट ऑफ। जी आप बता रही थी वो मूवी के बारे में बता रही थी आप, एक था दिल, और जब वेकेशन होती हाँ, थी तो तब शूटिंग वो हमने शूट की, हाँ हमने दिवाली वेकेशन में शूट की, दिसंबर वेकेशन में शूट की, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ सम टिफ बिटवीन द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स। उसके बाद मैं साउथ में चली गई, साउथ में मैंने बहुत मूवीज किए, साउथ में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, फिर आया खलास जी। तो खलास के बाद देन द जर्नी स्टार्टेड, उसके बाद एक से एक बड़ी बड़ी मूवीज में आप नजर आए, चैलेंजिंग रोल में नजर आए, जो सब हम सबको याद है। मुझे बताना चाहेंगे उसके बाद जब आपकी बॉलीवुड की जर्नी जो है वो शुरू हुई, अगर हम फुल पेजेस बातें करें तो प्यार इश्क और मोहब्बत की बातें होती है, कंपनी में आप नजर आई, उसके बहुत सारे मूवीज जो है बड़े बड़े मूवीज में भी आप नजर आई थी, तो फैमिली मेंबर्स का क्या कहना था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये अपनी पढ़ाई पूरी करे, डॉक्टर फैमिली से आप जुड़ी हुई हैं, तो उनका उनका सपोर्ट फिर मिलने लगा, वो बोले ठीक है आप मूवीज कर सकती हैं? उनका सपोर्ट तो पहले दिन से ही था मेरे मम्मी पापा का, लेकिन उनका बस यही कहना था कि ईशा फिनिश ग्रेजुएशन बस। तो मेरे मुझे अभी भी याद है, मेरे फिल्मों के लिए डायरेक्टरों को मेरे प्रिंसिपल के पास जाके परमिशन लेनी पड़ती थी कि ईशा हमारी ये फिल्म करे, अगर टू यू नो जस्ट टू ग्रांट लीव कि शी वोंट बी कमिंग फॉर 5 डेज और 6 डेज या 1 वीक और 10 डेज, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से ज्यादा छुट्टियां मैं नॉर्मली मिस नहीं, स्कूल आई मीन कॉलेज इतना मिस नहीं करती थी। नाइस टू सी यू ईशा, लाइव चैट दीपा केम्ब्रे, हाय दीपा। बिल्कुल, तो बहुत सारे मैसेज मैम आपके लिए आ रहे हैं, वो सब मैं धीरे धीरे करके शेयर करना चाहूंगा। वैसे मैं जानना चाहूंगा, जो हम ऑफ एयर बातें कर रहे थे मैम, आपकी पहली जो कमाई जो इनकम होती है वो हम सबके लिए बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारी वो होती है, वो यादगार रहती है, तो आपकी कोई इनकम जो हमारे साथ अगर शेयर करें मैम, फैंस आपके जानना चाहते हैं। मेरी पहली इनकम थी, मुझे 3,000 का चेक मिला था और वो मेरी पहली इनकम थी, वो मैंने एक एड कमर्शियल के मुझे मिला था। आई वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, जस्ट मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे और पोर्टफोलियो शूट किया था और इमीडिएटली मुझे एक एड मिल गई थी, तो इवन बिफोर आई वेंट टू कॉलेज। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैम जानना चाहूंगा उसके बाद मूवीज तो काफी की, बड़े बड़े मूवी आपने की हैं, अच्छी अच्छी मूवीज आपने की हैं, चैलेंजिंग रोल्स किए हैं, लेकिन अगर हम दो गानों की बातें करें जो बहुत हिट हुआ, एक जो मैंने शुरुआत में ही कहा खल्लास गर्ल, और साथ ही साथ इश्क समंदर,
जो है वो भी काफी हुआ। आपका इन दोनों में से कुछ कहना चाहेंगे, इन दोनों का अगर कुछ हमारे साथ शेयर करें, खल्लास एंड इस संबंध में? ये तो आइकॉनिक सॉन्ग्स है, दे गॉन डाउन इन हिस्ट्री, मतलब आपके लाइब्रेरी में जी ऑफ सॉन्ग्स ये दोनों होंगे। और गानों के साथ तो मेरा नसीब जुड़ा ही है, मतलब हर हर एक फिल्म में मुझे एक ऐसा माइंड ब्लोइंग गाना मिल ही जाता है। कृष्णा कॉटेज का सुना सुना लम्मा लम्मा, फिर एक विवाह में भी मेरे गाने बहुत लोगों को पसंद है। सो आई एम क्वाइट लकी लाइक दैट एज फार एज सॉन्ग्स आर कंसर्न्ड। कोई भी मेरी फिल्म हो उसमें मुझे गाने हमेशा अच्छे मिले हैं। बिल्कुल। और मैम जानना चाहूंगा, क्या कूल है हम का जो वो इंस्पेक्टर का रोल था वो भी काफी पसंद आया है, और जिस तरह से आपने निभाया है, उर्मिला का किरदार जो निभाया है, मटोड़कर का किरदार जो निभाया था, वो भी काफी पसंद आया था। तो वो डायलॉग डिलीवरी में कुछ कुछ आपको कहा गया था इस तरह से बोलना है, क्योंकि उनका डायलॉग डिलीवरी काफी अलग था उर्मिला का। हाँ, मतलब एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ी सी, मतलब जो हमारे राइटर थे उनसे मैंने काफी मदद ली थी, पंकज जी। और वो ट्रांसफॉर्मेशन था ना एक कॉप का, उसको एक बहुत ही क्रैस और अनकूत कॉप से बहुत ही सेक्सी कॉप बनना था, तो उसको मैं कैसे अनकूत दिखाऊं, थोड़ी ऐसे चल्ली ऐसे कैसे दिखाऊं, मैं सोच के थोड़ा मैंने खुद ही पार्टिसिपेट किया था, खुद ही मैंने सोचा इस पे होमवर्क किया जाए कैरेक्टर पे। तो सोचा अमित जी की मुझे शहंशाह याद आई, उसमें अमित जी बिल्कुल पान चबाते थे, एंड आई लव दैट रोल ऑफ अमित जी, और रात को शहनशाह बन जाते हैं, यू नो। सो मैंने कहा था मुझे भी, मैं ऐसी कुछ करूंगी, तो क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली एक थोड़ा वो गंदा, थोड़ा अनकूत, खास करके अगर एक लड़की पान चबा रही है और बात कर रही है और थूक रही है, यू नो, इट गिव्स यू दैट जी, क्रैस काइंड ऑफ अ लुक। तो वो बहुत मजा आया था मुझे, मतलब वो रोल करने में, पान कैसे चबाते थे वैसे मैंने डायलॉग चबा चबा के डिलीवरी दी है मुझे बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मजा जैसे आया। आपके गाने, बिल्कुल आपके गाने जैसे हिट हुए, वैसे ये किरदार जो है वो भी लोगों को आने वाले कई सालों तक याद रहेगा, हम सबको वो यस रोल जो है आपका याद है। तो इसे मुझे एक बात बताइए कि ये लॉकडाउन का भी ये जो अभी दौर चल रहा है, जिसमें हम सब घर पर ही हैं और अब धीरे धीरे करके सब कुछ न्यू नॉर्मल हो रहा है, तो जहां तक मुझे खबर मिली है, आपके जो हार्ट को वर्कआउट है वो भी काफी हिट हुए, लोगों को बहुत पसंद आए हैं, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे, ये लॉकडाउन का दौरान, ये लॉकडाउन का समय कैसे बीता है आपका? देखिए, ऐसा समय शायद वापस आपको खुद के लिए मिलेगा नहीं। हम लोग हमें हमेशा बोलते हैं यार टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं, अभी तो भगवान ने टाइम ही टाइम दिया है, तो इसका जितना लुफ्त, इसका जितना मजा उठा सकते हो उठा लो। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, यू नो, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कहिए मेडिटेशन बोले, एक डिटॉक्स होता है, प्रेयर्स, हर 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 तरीके से, मतलब फैमिली के साथ भी बहुत टाइम मिल रहा है, मेरी बेबी के साथ, रियाना के साथ भी बहुत टाइम मिल रहा है। सो आई एम इन वन वे, आई थिंक 2020 इज अ ईयर फॉर योर सेल्फ, तो हमको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। वो शायद लाइफ टाइम में पहली बार, और पूरी लाइफ टाइम में जो आपकी उम्र होगी, जितने भी साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, या आप सेंचुरी भी मारो 100, उसमें से अगर एक साल तुमने ऐसे काटा है तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब आई डोंट थिंक वी शुड कंप्लेन, यू नो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वैसे मैम मुझे बताइए कि आपको, जैसे आपने अपने बारे में अभी बताया, बहुत पॉजिटिव रही हैं आप, बचपन से ही बहुत पॉजिटिव रही हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर से नजर आती है, तो जो लोग थोड़े से लो फील करते हैं, जो लोग थोड़े से टेंशन में हैं, आप कैसे अपनी अपने आप को पॉजिटिव रखती हैं, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, पॉजिटिविटी एक अंदरूनी, क्या बोले, एक हैबिट है। पॉजिटिव रहना आसान नहीं है, खास करके अभी जो हमारे साथ चल रहा है, यू नो, आउट ऑफ बोर्डम, नो वर्क, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास कुछ करने को नहीं है, एंड आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। सो बहुत जरूरी है हमको हमारे मन को हमारे बस में रखना, यू नो। ये मन जो है वो हमें, योर माइंड शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव बाय, आई थिंक यू, इट्स अ हैबिट दैट यू नीड टू कल्टिवेट, योगा फॉर श्योर, क्योंकि मैंने मैंने योगा करने से मैं और पॉजिटिव हुई हूँ,
और रीड और वॉच हैप्पी मूवीज. अगर आपको कभी भी ऐसे लगा कि डिप्रेसिंग, आप हिंदी या कोई भी ऐसे रोने धोने के गाने और फिल्में मत देखिए, खास करके इस टाइम पे. वॉच समथिंग दैट्स मोर फन, वॉच कॉमेडी, वॉच समथिंग दैट ब्राइटन्स अप योर मूड, दैट लाइट्स अप योर स्पिरिट्स, यू नो, वॉच समथिंग दैट मेक्स यू लाफ. ऐसी चीजें कीजिए आप. कोई स्पोर्ट खेलिए, अगर आप आपके बिल्डिंग में, अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हो, जस्ट अगर आप नीचे बैडमिंटन खेल सकते हो तो खेलिए. कुछ भी कर सकते हो जिससे आप बोर नहीं हो, जो आपको डिप्रेस नहीं करे. जी दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इंसानों को भगवान ने ऐसे बनाया है कि हम ऑलवेज पेसिंग अगेंस्ट टाइम. सुबह उठे, नाश्ता खाने के लिए टाइम नहीं, ऑफिस चले गए, फिर आधा टाइम हमारी लाइफ ट्रैवलिंग में ही चली जाती है. ऑफिस गए, ऑफिस खत्म, ट्रैवलिंग, ऑफिस, घर, खाए, टाइम ही नहीं. अभी वो जी फास्ट पेस लाइफ की हमें इतनी आदत हो गई है कि जब हमको स्लो डाउन कैसे होना है वो पता ही नहीं. बिल्कुल तो सही ये कहा। साल हमको थोड़ा एक स्लो डाउन चिप हमारे दिमाग में, शरीर में एक डालना पड़ेगा. बॉस, दिस इज अ स्लो डाउन मोड. ये जिंदगी में कभी भी आ सकता है. ये कोविड जो है, ये ब्लैक स्वान है, जिससे को किसी ने अभी तक देखा नहीं था. अभी हमको पता चल गया. हमारे बच्चे अभी अगले 100 साल जो जनरेशन है वो ये बोलेगा कि हमने भी ऐसा एक टाइम देखा था. आई थिंक वी शुड ऑल टेक इट इन आवर स्ट्राइड एंड वी शुड बी हैप्पी एंड प्रेज द लॉर्ड कि हम लोग जिंदा हैं. बस एंड स्टे एज पॉजिटिव एज यू कैन. बिल्कुल सही बात आपने की है। वैसे ईशा मैम, अभी ये जो समय गया है इसमें मैंने देखा है कि आपने योगा तो किया ही है, आपने डांस तो आप माशाल्लाह काफी अच्छा करती हैं, आपने गाने भी गाए हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने मेरे गा दिए फैंस हैं, और मुझे गानों बोलते मैं को क्या कर. बिल्कुल अयो, मैम, अगर अगर हो पाए तो मुझे भी सुना दीजिए 2 लाइन। कौन विवाह का से गाना आपने गाया था, गाना? हमने सुना विवाह का गाना आपने सुनाया था, कोई भी अगर आप सुनाना पाए चाहें प्लीज। मुझे देख के सुनाना पड़ेगा. आई वोंट बी बिल्कुल एबल नो प्रॉब्लम। टू ऐसे ही मुझे मैं मेरा इसका कृष्णा कॉटेज का ही गाना सुनाती हूँ ना, सुना जी मैम सुना जी, सुना सुना लम्हा लम्हा. लिरिक्स आजकल तो हमारे गूगल भाई साहब सब कुछ मिल ही जाता है सब हमको. कुछ बता देते हैं। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें, तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता, मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा. आई डोंट डस टू हाई. नहीं मैम बहुत अच्छा। बेपना प्यार है, आ जा, तेरा इंतजार है, आ जा, हो बेपना प्यार है, आ जा, तेरा इंतजार है, आ जा. सुना सुना लम्हा लम्हा क्या बात है मैम, मेरी राहें, क्या बात, तन्हा क्या बात, तन्हा. सॉरी, थैंक यू बीच में सो एकदम मच, ऑफ थैंक यू हो गई सो मैं. मच आई एम नॉट अ सिंगर, ईशा लेकिन मैं मैम, बहुत थैंक यू कोशिश सो मच। करती हूँ. वेलकम बहुत अच्छा, वेलकम. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। रविवार की शाम इससे अच्छी नहीं हो सकती है, आपके फैंस के लिए इससे अच्छी शाम नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें हो रही, मैं मेरे आपसे बात फैंस को करके मुझे बोलना पॉजिटिविटी जो है चाहूंगी, हमारी बढ़ रही। देखिए जी मैं बिल्कुल सिंगर नहीं हूँ. बिल्कुल मतलब मैंने जिंदगी में, मैं ना जो बेसुरे सिंगर्स होते हैं ना, उनकी लाइन में खड़ी होती थी मैं स्कूल में पीछे. मेरे को मेरे सिंगिंग मास्टर से पीछे करते नहीं, पीछे पीछे पीछे. अभी मैं कोशिश सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरे गाने अच्छे लगते हैं और आप लोग बोलते हो प्लीज ट्राई प्लीज ट्राई. तो आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से थोड़ी सी भी जो आवाज निकल रही है वो आप लोगों के प्यार के वजह से निकल रही है. तो प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल, आप मैसेज, आप कमेंट्स पढ़ सकती हैं। ईशा मैम, सागर कह रहे ब्यूटीफुल वॉइस, कीप इट अप, बहुत सारे मैसेज जो है आपके लिए आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मैं वो सब धीरे धीरे करके पढ़ता रहूंगा। आप देख सकते हैं, नाइस सॉन्ग एंड नाइस सिंगिंग, दीपा कह रही है एक बार फिर से। थैंक तो
मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि जब आपको हमने पाया है, आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, अब क्या लगता है न्यू नॉर्मल में अब हमारी फिल्मी इंडस्ट्री कैसी रहेगी? हम सब एक साथ जुड़े हुए, रेडियो हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री हो, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है सब कुछ नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा, और न्यू नॉर्मल में शूटिंग्स कैसे होगी, किस तरह से शुरू हुई है शूटिंग्स होनी, अगर आप हमारे साथ शेयर करें? उसकी तो गाइडलाइंस अभी आ ही रही हैं, ऑलमोस्ट आ ही गई हैं। आई थिंक एवरीबडी विल बी अ लिटिल मोर कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट हाइजीन एंड सैनिटेशन, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो अच्छा ही है। और जो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस है, वो कुछ 50 लोगों की यूनिट ऐसे कुछ कहा गया है। सीरियल्स की शूटिंग तो स्टार्ट ही हुई है, तो धीरे धीरे करके वेब सीरीज, फिल्में सब स्टार्ट होंगी। थोड़ा वक्त भी लगेगा सब कुछ नॉर्मल होने में। हाँ, वैसे ये वेब सीरीज का जो ये ट्रेंड जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें जो है ओटीपी आई डोंट थिंक प्लेटफॉर्म पर स्टार द भी हो फायर रही नाउ, हैं। इट्स टू हॉट। सॉरी सॉरी, माय बैड, जी, मैम, मैं जानना वापस। चाहूंगा वेब सीरीज जो आजकल बन रही हैं, जो ओटीपी प्लेटफॉर्म पे आज इतने सारे मूवीज भी अब लॉन्च हो रहे हैं, अब प्रीमियर हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब डिजिटलाइजेशन इज द न्यू नॉर्म, मतलब अभी पूरी दुनिया यही देख रही है, और खास करके इस समय वो ही तो चल रहा है। अब लोगों को तो कंटेंट कम पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से यही ज्यादा बनेगा, क्योंकि अब पता नहीं थिएटर कब खुलने वाले हैं, तो लोग यही बनाना चाहेंगे फिलहाल। ये मैं सोच रही हूँ, ये मेरा मेरी सोच है। जी बिल्कुल, थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होगा, और डिजिटल वे में तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ हो रहा है। रेडियो इंटरव्यू भी हम आजकल ऑनलाइन ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और इसीलिए ईशा मैम को हम देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। ओके ईशा मैम, मैं जानना चाहूंगा, इतने लंबे जो आपकी ये करियर रही है, इसमें इसमें कोई एक क्रेजी फैन है जो कुछ आपको याद है, उसने कुछ क्रेजी पंती की हो, यानी कोई गिफ्ट दिया हो, या कोई बात बोली हो, कुछ कही हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बाप रे बाप, वैसे तो बहुत है, लेकिन एक जो मुझे याद है, जो मलेशिया में मैं एक शो के लिए गई थी, और बस जा रही थी और बस को अचानक रोकना पड़ा। तो बस जब रुक गई, तो हम सब लोग, उन्हें हमारी हमारा जो सर ऐसे जब निकाल के देखा, तो एक जी लड़का जो था, एक वो ऐसे पूरा का पूरा ऐसे साष्टांग नमस्कार जिसको बोलते हैं करके, रस्ते के बीच लेटा हुआ था। तो किसी को एक्चुअली समझ में नहीं आया, और उसके मुंह में एक रोज था। ओहो, ये मलेशिया में थी, हाँ मलेशिया में हुई थी बात। तो वो रोज लेके, मतलब ऑब्वियसली यू टू स्टॉप द द बस। हम बस लोग साउथ की लड़कियां, 7 लड़कियां और एक लड़का, प्रशांत था हीरो, और 7 लड़कियां उस वक्त, खुशबू, सिमरन, तब की जो सुपरस्टार्स थी, सब लोग गई थी एक टूर के लिए सिंगापुर, मलेशिया। तो वो एक फैन था, तो उसने रोक के, वो फिर बस में उसको आने नहीं दिया, लेकिन उसको पूछा गया कि किसको देना चाहते हो, तो उसने मेरा नाम लिया। तो जहाँ पे अरे मैं वाह, विंडो के पास थी, उसने आके मेरे हाथ में वो रोज दे दिया था। ये एक, दिस इज समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट। तो ये एक चीज हुई थी मेरे क्या साथ, बात और है, तब मैं काफी काफी यूनिक भी नई था, नई काफी थी। हटकर भी था जी, और बस के सामने आकर लेट जाना, ये भी काफी काफी डरावना हो सकता है, हाँ खतरनाक हो हाँ आई सकता नो है, आई नो आई लेकिन ऐसे ही नो होते हैं क्रेजी फैंस, ऐसे ही होते हैं। ईशा मैम, जब आपको हमने पाया है, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक्सरसाइज जो है, वर्कआउट, आप कितना करती हैं, कितना समय आप वर्कआउट पे देती हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है अभी इस वक्त है एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वक्त नहीं, हर वक्त। हर इस वक्त? वक्त जी ज्यादा, क्योंकि ताकि आपका मानसिक संतुलन आप खो नहीं बैठो, आपके पास बहुत टाइम है, इसीलिए बहुत जरूरी है एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, वेदर इट्स योगा, वेदर इट्स स्पोर्ट, आपको करना बहुत जरूरी है। और मैं, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैं हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ। आई ऑल्टरनेट करती हूँ मैं, किसी आधा ओके किसी दिन आधा आधा घंटा, किसी दिन 40 मिनट, किसी दिन 15 मिनट, किसी दिन 1.5 घंटा। जैसे आज मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया, फुल बॉडी वर्कआउट विद डंबल्स। कल मैंने सिर्फ योगा, फ्लेक्सिबिलिटी,
का एक आधे घंटे का वर्कआउट किया था परसों, मुझे याद है परसों मैंने सिर्फ ट्रेडमिल पे 40 मिनट्स वॉकिंग की थी। बस ऐसा करती रहती हूँ मैं। आई लिसन टू माई बॉडी ऑल्सो अनिमेश, बिकॉज समटाइम्स यू नो यू डोंट फील लाइक डूइंग सर्टन थिंग्स। आज मन करता नहीं, आज वेट्स नहीं करूँ यार, एंड समटाइम्स यू हैव टू पुश योर सेल्फ बिकॉज इट्स योर माइंड ट्राइंग टू ओवर पावर यू। यू शुड ग्रेजुअली, आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि ये लेजी है या सचमुच में सोरनेस है या you're not feeling well, जिसके वजह से तो you become aware of how you become spiritually aware, वैसे you become aware of your body also, धीरे 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 आपको क्या सूट करता है, आपको क्या सूट नहीं करता, आप क्या खाओगे तो आपको you feel lethargic। जैसे अगर मैं ज्यादा शुगर खा लूँ या ज्यादा पास्ता मैदा ये सब चीजें खाऊं तो मुझे आई फील लाइक अ पाइथन, मतलब वैसे ही आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। सो वैसे इवेंचुअली करते 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 आपको समझ में आ जाता है। राहुल एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह के गाने पसंद है। मैं भी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये रेडियो स्टेशन है, कोलकाता का नंबर वन रेडियो चैनल है फ्रेंड्स एफएम, तो मैं जानना चाहूंगा आपके पुराने गाने ज्यादा सुनती हैं जब आपको गाने सुनने का मौका मिलता है, या 90s के गाने ज्यादा पसंद है, किस तरह के गाने आप सुनना पसंद करते हैं? मैं 90s के भी गाने सुनती हूँ और आज के भी गाने सुनती हूँ। मुझे रोमांटिक गाने ओके बहुत पसंद है ओके और रोमांटिक गाने भी पसंद है। मुझे रोमांटिक गाने बहुत पसंद है, मस्ती वाले गाने भी बहुत पसंद है, एकदम जैसे लुंगी डांस टाइप्स। क्या बात है। ओके ईशा मैम, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि वादे के अनुसार अब हमें हमें अब साइन ऑफ करना है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा जो फैंस, हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा जो फैंस आपको देख रहे हैं इस वक्त, वर्ल्ड वाइड आपको देख रहे हैं, अपने फैंस से कुछ कहते जाइए। बहुत अच्छा लगा, ये एक शॉर्ट एंड टाइट इंटरव्यू था, बहुत कुछ आपके बारे में जानने को मिला, अपने फैंस से कुछ कहते जाइए। मैं मेरे फैंस को यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे, खास करके इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस भेजते हो, वो मैं ऑनेस्टली डिलीजेंटली सीरियसली पढ़ती हूँ, उन मैसेजेस को अप्रिशिएट करती हूँ और जब भी हो सके उनको रिप्लाई भी करती हूँ। और बिल्कुल, आपके जो इसका सबूत डिमांड सबूत है तो मेरे पास, ईशा मैम इसका सबूत तो मेरे पास है, आपने भी इंस्टाग्राम बिल्कुल पे ही किया था। यस जी 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 यस बिल्कुल बिल्कुल, यस और यस, बहुत जल्द तो आपने मैं रिप्लाई आप किया था, लोगों थैंक यू के सो मच जी। प्यार, आपके प्यार को, आप लोगों की हर चीज को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत कर देती हूँ। और देखिए आपका प्यार ही है जिसकी वजह से हम हैं, मतलब बात तो यही है कि मुझे इंडस्ट्री में आज ऑलमोस्ट 19 इयर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपका प्यार बरकरार है और ये आप ही का प्यार है जिसकी वजह से हम लोग हैं, यू नो। और क्या है, आपकी आपकी एडुलेशन है जिसकी वजह से हमको काम मिलता है। तो ये कीप दैट, कीप द लव गोइंग, कीप इट ब्रिंगिंग, कीप ब्रिंगिंग इट ऑन टू मी। And I will never let you down. I will क्या try बात है, क्या never बात, to let you down. बिल्कुल सुपर, थैंक यू सो मच ईशा मैम, रविवार की शाम इससे अच्छी नहीं हो सकती है, आपके नाम थी ये और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह से रहे, हम सबको एंटरटेन करते रहे, नए नए प्रोजेक्ट्स में नजर आए, चैलेंजिंग रोल्स में नजर आए, और हम सब आपको और भी नए नए रूप में देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच ईशा मैम, ऑल द बेस्ट थैंक एंड यू यू आर द सो बेस्ट, मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बी गुड, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस, बाय, थैंक यू सो मच स्टे मैम, हेल्थी, टेक केयर, बाय 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 अनिमेश, बाय बाय।